संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। दस लक्षण महापर्व आरंभ हो रहा है और अब इस बाकी आगे के दस दिनों में अपन दस धर्मों की विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला दिन है ना, तो सामान्य पर्व क्या किसे कहते हैं, दस लक्षण पर्व का क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है, थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट इसके बारे में बताएंगे। फिर उत्तम क्षमा के बारे में बताएंगे। उत्तम क्षमा का विषय अपने आप में बहुत बड़ा है, कुछ शेष रह जाएगा तो कल मार्दव धर्म के दिन एडजस्ट करेंगे। इस तरह 2-3 दिन में फिर शेष रह जाएगा तो आर्दव धर्म के दिन एडजस्ट करेंगे। इस तरह इन 3 दिनों में हम 3 धर्मों का स्वरूप आपको बहुत अच्छी तरह बता देंगे। ये 3 धर्म आपस में एक से भी हैं, आपस में परस्पर संबंधित भी हैं, तो उनकी चर्चा अपन यथावत करेंगे। पर्वों की चर्चा जब भी चलती है तो उनका संबंध इस लोक में खाने पीने और खेलने से जोड़ा जाता है। रक्षाबंधन के दिन क्या खाया जाता है, क्या खेला जाता है, दिवाली के दिन क्या खाया जाता है, क्या खेला जाता है, ऐसी प्रकार होली, माने हम इन पर्वों का संबंध खाने और खेलने से जोड़ते हैं। लेकिन ये दस लक्षण महापर्व, अष्टान्न का महापर्व ऐसे पर्व हैं कि जिनका खाने और खेलने से संबंध नहीं है, बल्कि खाना और खेलना त्यागने से संबंध है। हम जब दस लक्षण पर्व की बात कहते हैं तो ये कहा जाता है कि हम 10 दिन हरी नहीं खाते हैं, हम 10 दिन में बार बार नहीं खाते हैं, संभव हो तो एक टाइम ही खाते हैं और आवश्यक हो तो उपवास भी करते हैं। इस तरह एक खाना खेलना त्यागने की चीज़ है। धर्म का स्वरूप समझते हैं, विद्वानों से समझते हैं, खुद स्वाध्याय करके समझते हैं, भगवान की पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो इस तरह ये हमारा पर्व धार्मिक पर्व है। एक खाने और खेलने का पर्व नहीं, बल्कि खाना और खेलना त्यागने का पर्व है। पर्व 2 प्रकार के होते हैं, एक त्रैकालिक और एक तात्कालिक। त्रैकालिक माने क्या, कि जो हमेशा होते हैं, ऐसे जो पर्व हैं जो कभी हमेशा, जैसे 10 लक्षण महापर्व उनमें से ही है, कभी अनादि से होता आया है और अनंत काल तक होता रहेगा। अष्टान्न का पर्व भी ऐसा ही पर्व है जो त्रैकालिक पर्व है। और कुछ होते हैं तात्कालिक। तात्कालिक माने जो किसी घटना विशेष से या किसी व्यक्ति विशेष से संबंध होते हैं, जैसे भगवान आदिनाथ की जयंती, महावीर की जयंती, राम जयंती, कृष्ण जयंती, तो ये पर्व अनादि के नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जब महावीर नहीं थे तब ये पर्व कैसे मनाया जाएगा। और कल महावीर नहीं रहेंगे और उसके बाद जो अगले तीर्थंकर हो जाएंगे तो हम उनका मनाना शुरू कर देंगे। जब तक पारसनाथ थे, महावीर नहीं थे, तो हम पारसनाथ का मनाते थे, और हम महावीर का मनाने लगे कि सबका मनाए ना, तो सब तो फिर अनंत हैं, कितने मनाए जा सकते हैं, दिन तो 365 ही होते हैं, फिर रोजाना पर्व ही मनाते रहेंगे क्या। तो इस तरह हम देखते हैं गहराई से कि कुछ तात्कालिक जो व्यक्तियों से संबंधित होते हैं, घटनाओं से संबंधित होते हैं, जैसे रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के दिन एक घटना घटी थी जो आप सब लोगों को पता है, उसके कारण ही रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है। इसी प्रकार जैसे कि ये दीपावली है, तो भगवान महावीर का निर्वाण हुआ था, वो भी एक घटना है ना, तो उसे हम घटना से संबंधित पर्व कहते हैं। तो ये पर्व 10 लक्षण महापर्व ना घटनाओं से संबंधित है, ना कोई व्यक्ति से संबंधित है, इसलिए ये अनादि और अनंत है। कुछ लोग कहते हैं कि 10 लक्षण पर्व के आरंभ होने की भी कथा शास्त्रों में लिखी है। वो जो कथा लिखी है
वो हर युग में एक कैसे आरंभ होता है, वो युगारंभ की कथा है, पर्वारंभ की कथा नहीं। फिर तो हर युग में अलग अलग वही की वही घटना फिर घटती रहती है ना, इसलिए ये पर्व दस लक्षण महापर्व अनादि का है और अनंत काल तक रहेगा, क्योंकि ये उत्तम समाधि दस धर्मों से संबंधित है। ये दस धर्म आत्मा के कल्याणकारी अनादि से हैं और अनंत काल तक रहेंगे, इसलिए ये अनादि है और अनंत है। ये सार्वजनिक है क्योंकि उत्तम क्षमा मार्दव सभी का हित करने वाले हैं। ऐसा थोड़ी है गुस्सा अकेला जैनियों के लिए नुकसान करता है और अजैनियों के लिए फायदा करता है। उत्तम क्षमा की आवश्यकता के लिए जैनियों को है और अजैनियों को नहीं है, किसी दूसरों को नहीं है, सभी को है। इसलिए ये सार्वजनिक है और सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक क्यों है? क्योंकि हिंदुस्तान वालों को तो क्षमा चाहिए, अमेरिका वालों को नहीं चाहिए, उन्हें सुख शांति नहीं चाहिए, उन्हें भी चाहिए। तो दुनिया में जहाँ भी जीव रहते हैं, जो मनुष्य रहते हैं, उन सभी को उत्तम क्षमा मार्दव आदि धर्मों की ज़रूरत है और क्रोध आदि पदार्थों के भावों के त्याग करने की ज़रूरत है। इसलिए यह महापर्व सबका है, सार्वजनिक है, सार्वलौकिक है, सारी दुनिया में मनाया जाने योग्य है और सदा सार्वकालिक है। भले ही कोई मनाए कोई न मनाए, भले ही कहीं मनाया जाता हो कहीं नहीं मनाया जाता हो, वो कहीं मनाया जाता है कि नहीं, कोई मनाता है कि नहीं, इसकी वजह से नहीं है। वो अपनी प्रकृति से सार्वजनिक है क्योंकि सबका हित करने वाला है ना, वो सारी दुनिया का हितकारी है, इसलिए प्रकृति से सार्वभौमिक है, वो सब लोगों का कल्याण करने वाला है, इसलिए अपनी प्रकृति से सार्वजनिक है। ऐसा ये महापर्व दस लक्षण महापर्व आरंभ हो रहा है और वो आत्मा के दस प्रकार के जो भाव हैं उनसे संबंधित है, इसलिए सब जीवों का कल्याण करने वाला पर्व है। देखो, घटनाएं कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों ना हों, व्यक्ति कितने ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, आखिर बासी पड़ती हैं। जब ये रक्षाबंधन की घटना घटी, बहुत महत्वपूर्ण घटना थी, तो उससे संबंधित पर्व मनाया जाने लगा और आज तक मनाया जा रहा है। यदि इससे बड़ी घटना घट जाएगी तो हम इसे छोड़ के उसे मनाने लग जाएंगे। आदिनाथ और महावीर बहुत महान पुरुष थे, लेकिन उसके बाद उन्हीं जैसे और महापुरुष हो जाएंगे तो हम उनका मनाने लगेंगे, इनका बंद कर देंगे। अभी हम 24 जनवरों का हम कहाँ मनाते हैं। इसलिए व्यक्ति से संबंधित, घटना से संबंधित कोई भी जो पर्व है वो महान नहीं हो सकता, वो सार्वजनिक नहीं हो सकता, सार्वकालिक नहीं हो सकता। ये पर्व वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। अभी भादों शुद्ध पंचमी से और चतुर्दशी तक, फिर चैत्र में और माघ में, उन 2 महीनों में भी ये मनाया जाता है इन्हीं तिथियों में। लेकिन अभी हम देखते हैं सारे विश्व में ये भादों वाले को ही ज़्यादा महत्व मिला हुआ है और उन 2 को लोग जानते भी नहीं हैं, और कुछ जानते भी हैं तो मनाते नहीं हैं, मनाते भी हैं तो उंगलियों पर गिनने लायक लोग। क्यों हुआ ऐसा? इसकी गहराई में हम जाकर देखें तो हमें स्पष्ट मालूम पड़ता है कि ये बरसात के दिन लोगों को, ग्रस्तों को फुर्सत के दिन हैं। माघ का महीना और चैत का महीना ये तो व्यापार के, धंधे के, खेती के, इन सब के दिन हैं। वहाँ इन कामों में सबको उलझना पड़ता है। किसान खेतों में उलझ जाता है, व्यापारी व्यापार में उलझ जाता है, छत्री लोग लड़ने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि युद्ध भी जब बरसात नहीं हो, गर्मी ज़्यादा ना हो, सर्दी ज़्यादा ना हो, मौसम ठीक हो, तभी लड़े जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो पर्व में लोगों को फुर्सत नहीं मिलती है
और चौमासे में किसान लोग खेतों में बोकर फिर आराम से घर में बैठते हैं। व्यापारी का व्यापार भी बाहर जाना आना बंद हो जाता है, अपने घर में ही व्यापारी रहते हैं। छतरी भी लड़ने के लिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि बरसात की वजह से मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, तो सब खाली हो जाते हैं। सबको समय होता है। मुनिराज और साधु संत 4 महीने एक जगह रुक जाते हैं, चौमासा करते हैं ना वो, क्योंकि बरसात के कारण जीव जंतु बहुत पैदा हो जाते हैं, तो फिर वो रास्ते चलने लायक नहीं रह जाते हैं, इसलिए वो कहीं चौमासा करते हैं। तो इस तरह ये सबका धंधा बंद हो जाता है, तो विद्वानों का, पंडितों का, साधुओं संतों का ये शुरू हो जाता है, क्योंकि फिर वो तत्वोपदेश सुनने के लिए तैयार रहते हैं और ये सुनाने के लिए तैयार रहते हैं। ये 4 तरह के समाज हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 अपने महापर्व हैं जो हिंदुस्तान में बड़े शान के साथ मनाए जाते हैं। पहले रक्षाबंधन, दूसरा दशहरा, तीसरा दीपावली और चौथा होली। रक्षाबंधन ब्राह्मणों का पर्व है, दशहरा क्षत्रियों का पर्व है, दीपावली व्यापारियों का पर्व है और होली शूद्रों का पर्व है। क्या मतलब? कि जब सब लोग फ्री हो गए तो ब्राह्मण माने विद्वान, ब्राह्मण माने साधु संत वृत्ति। भरत चक्रवर्ती ने ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की थी ना, तो फिर उनका काम चल लगता है, वे उपदेश का काम देना शुरू हो जाता है, इसलिए उनका पर्व है मैं कहता हूँ। और फिर जब समय बरसात खत्म हो जाती है तो लड़ाई का समय आता है, तो क्षत्रिय लोग अपने हथियार संभालने लगते हैं, उनमें जंग मंग लग जाई हो तो उनको साफ वगैरह करने लगते हैं। तो ये दशहरा जो है वो क्षत्रियों का पर्व है। फिर दीपावली से व्यापार शुरू होता है, क्योंकि अपने हिंदी प्रांत में तो शादियाँ भी तभी से शुरू होती हैं, असली व्यापार तो शादियों में ही चलता है ना, तो तब से व्यापारी अपनी तराजू मराजू संभाल कर, गैस संभाल कर अपनी पूरी तैयारी करते हैं। और फिर होली, होली में कहता हूँ शूद्रों का पर्व है। क्यों? शूद्र माने कोई व्यक्ति विशेष नहीं, कोई जाति विशेष नहीं, तो कौन? जिस मौसम में सब लोगों में शूद्रता उतर जाए। बढ़िया मौसम होता है बसंतोत्सव, ना सर्दी रहती नहीं है, गर्मी आती नहीं है, बरसात होती नहीं है, तो सबसे बढ़िया मौसम रहता है। तो एक कहते हैं कि समझ लीजिए कि 4 वर्ण शूद्र हो जाते हैं, उनके विकार ऊपर आ जाते हैं। कहते हैं ना कि इन दिनों में बुढ़ों को भी शोक चलाने लगता है, उनमें भी रस परिपाक हो जाता है। तो इसलिए ये सब का, शूद्रों का माने जिनमें सब में शूद्रता आ जाए, ऐसे लोगों का पर्व है। तो इस तरह है ये 10 लक्षण महापर्व, पर्युषण का पर्व जो है भादों के महीने का, ये बहुत ज़ोर से सारे देश में मनाया जाता है, सब लोग मनाते हैं। सारी दुनिया में जहाँ जैनी रहते हैं वे तो मनाते ही हैं, और लोगों के लिए भी अत्यंत उपयोगी और मार्मिक पर्व है। अभी अपन को उत्तम क्षमा, 10 धर्म क्या है? वास्तव में ये 10 धर्म नहीं है, धर्म तो एक ही है, उस धर्म के 10 लक्षण हैं। इसलिए मैंने तो अपनी किताब का नाम है ना, ये इसका किताब का नाम ही धर्म के 10 लक्षण ये रखा है, कि धर्म एक है और उसके लक्षण 10 हैं। लक्षण माने क्या? कोई बीमार होता है ना, डॉक्टर के पास जाता है तो उसे वो देखता है, तो क्या देखता है? उसके लक्षण देखता है। वो पूछता है तुम्हें सर्दी लगती है, तुमको कपकपी छूटती है, तुमको ऐसा, माने तुम्हें क्या लक्षण प्रकट होते हैं, उन लक्षणों से वो निर्णय करता है कि बीमारी क्या है। ऐसे ही जब कोई आदमी धर्मात्मा होता है, धर्म उसके अंदर में प्रकट होता है,
तो उसको जो लक्षण प्रकट होते हैं उन्हें वे दस होते हैं, माने वो क्षमा क्षमा धर्म प्रकट होता है, मार्दम माने निर्मानता होती है उसके जीवन में, वो छल कपट नहीं करता है, वो लोभ नहीं रखता है, वो सत्य का आश्रय ग्रहण करता है। तो इस तरह से ये दस लक्षण उसके अंदर में प्रकट होते हैं। इसलिए धर्म के ये दस लक्षण हैं। धर्म तो एक ही है, और वो क्या है? वस्तु का स्वभाव, और स्वभाव के आश्रय से जो निर्मल पर्याय प्रकट होती है उसको धर्म कहते हैं, उस स्वभाव पर्याय को धर्म कहते हैं। लेकिन उनको हमने दस भागों में बांटा, और अनेक भागों में भी बांट सकते हैं, बारह भावना के रूप में भी हम व्यक्त करते हैं, और भी कई तरीके से। तो ये दस धर्म के लक्षण क्या हैं उनके बारे में अपन को चर्चा करनी है। जब धर्म की चर्चा चलती है तो सब लोग नकारात्मक बात ही करते हैं, कहते हैं क्रोध नहीं करना क्षमा है, मान नहीं करना मार्दव है, छल कपट नहीं करना आर्जव है, लोभ नहीं करना शौच है। तो सब में नहीं करना नहीं करना है, हिंसा नहीं करना अहिंसा धर्म है, झूठ नहीं बोलना सत्य धर्म है, चोरी नहीं करना अचोरी धर्म है, व्यभिचार नहीं करना ब्रह्मचर्य धर्म है, और परिग्रह नहीं जोड़ना अपरिग्रह धर्म है। तो इस तरह है, जितने धर्म की चर्चा करते हैं वो सब नेगेटिव करते हैं। तो धर्म क्या नकारात्मक है? धर्म का कोई पॉजिटिव सकारात्मक स्वरूप नहीं है? धर्म को हम सीधा नहीं समझा सकते हैं? हम ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं कि उस क्षमा का अभाव क्रोध है, मार्दव का अभाव मान है, आर्जव का अभाव मायाचार है, शौच धर्म का अभाव लोभ है? ऐसा नहीं समझाता है कोई। समझाएगा भी तो किसी की समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक सिद्धांत है कि जिस चीज को लोग समझते हैं उसके आधार पर जिसे नहीं समझते हैं उसे समझाया जाता है। ये क्रोध मान माया लोभ आत्मा के सुपरिचित विभाव हैं, इन्हें आत्मा बहुत अच्छी तरह जानता है। जब हम कहते हैं क्रोध मत करो तो कोई नहीं पूछता क्रोध किसे कहते हैं, यदि हम ये कहते हैं क्षमा धारण करो तो कहते हैं क्षमा क्या चीज है, यानी क्रोध सके सब परिचित हैं। लोग कहते हैं परिचित हैं, हम तो करते भी जम के हैं, माने उसके करने में भी ये पूरी तरह माहिर है। इसलिए क्रोध को समझाने की, क्रोध की कोई भी बात आएगी तो उसे हम पॉजिटिव ही समझाएंगे, नेगेटिव नहीं समझाएंगे, क्षमा का अभाव है। उसे कहेंगे जब आंखें लाल हो जाती हैं, गुस्सा आ जाता है, दूसरे का हम बुरा करने का भाव करते हैं, मुँह से गालियाँ बकने लगते हैं, मारने को दौड़ते हैं, तो क्रोध को हम पॉजिटिव समझाते हैं। मान है तो वो आदमी अकड़ जाता है, सीधे मुँह बात नहीं करता है। क्रोध मान को हम सकारात्मक के रूप में समझाते हैं, और उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव को हम नकारात्मक रूप में समझाते हैं। देखो भाई, हमारे घरों में भाषा बच्चों की चलती है और भाव माँ बाप का। यदि हम बच्चों की भाषा में नहीं बोलें तो बच्चा समझेगा ही नहीं, हमें समझाना है ना। तो उसे पानी नहीं कह के पानू कहा जाता है, उससे वो जो बोलता है। और जब हम उसे कहते हैं कि जा माँ को बुला, तो बच्चा अपनी माँ को बुलाता है, तुम्हारी माँ को नहीं, जबकि तुमने नहीं कहा था कि मेरी माँ को बुला के तेरी माँ को बुला, क्योंकि बच्चा वो अपनी भाषा में बोलता है और हमें उसकी भाषा में बोलना पड़ता है, उसकी माँ को माँ कहना पड़ता है। देखो कितना अनुचित है ना, हम नहीं कहना चाहते हैं फिर भी हमको ये कहना पड़ता है कि माँ को बुला, और फिर वो अपनी माँ को बुला के लाता है। जब हमें हमारी माँ को बुलाना हो तो हमें कहना पड़ता है दादी को बुला।
तो जो समझने वाले समझ लो बच्चे हैं, ना समझें बच्चे माने ना समझें, और समझाने वाले विद्वान हैं, आचार्य हैं, तो वो समझाते हैं लेकिन समझने उनकी भाषा में, इसलिए उन्हें उत्तम क्षमा भी क्रोध के अभाव की भाषा में समझाना पड़ता है, क्योंकि क्रोध हमारा परिचित व्यवहार है। ख्याल में ना, क्रोध मान माया लोभ ये कषायें आत्मा का ऐसे व्यवहार हैं कि ये नहीं होती तो आत्मा यहीं सिद्ध होता, और होता है, हो यही होता है ना। भगवान बनते हैं तो कैसे बनते हैं, मोह का नाश करके बनते हैं ना। तो मोह में चरित्र मोह में 25 कषायें तो हैं, और दर्शन मोह में मुख्य रूप से मिथ्या तो है। तो एक कषायों के अभाव का ही नाम धर्म हुआ ना, वो भगवान बन गए। एक कषायें अभाव हुई तो भगवान बन गए। तब जब भगवान बन गए फिर भी धर्म नहीं होगा क्या, हो ही जाएगा ना धर्मा। तो धर्मात्मा माने मुक्ति का मार्ग, सच्चा रास्ता जिससे आत्मा परमात्मा बनता है, अनंत दुखी से अनंत सुखी बनता है। तो ये सारा जगत क्रोध आदि विकारों से परिचित है और क्षमा भाव से समझित नहीं है, तो उसे समझाने के लिए पहले हमें क्रोध को समझना पड़ेगा। क्या आप क्या बात करते हो, हम तो क्रोध बहुत अच्छी तरह समझते हैं, कि भाई साहब नहीं समझते हो, क्रोध अनेक रूपों में आता है। तुम तो अकेले गुस्से को क्रोध समझते हो ना, क्रोध का एक खतरनाक रूप है बैर। क्रोध तत्काल खतरनाक दिखता है, यदि किसी ने हमें गाली दी और हमें गुस्सा आ गया तो हम एकदम चांटा जड़ देंगे, हम गालियां बकने लगेंगे, तत्काल रिएक्शन दिया जाता है, वो कहलाता है क्रोध। लेकिन हम देखते हैं कि सामने वाले ने हमें चांटा मारा है ना, ये हमसे कई गुना ताकतवर है। यदि हमने कुछ गड़बड़ करी तो अभी तो एक चांटा पड़ा है, फिर क्या गत हो जाएगी, हम इस बात से समझते हैं तो कहते भाई साहब क्या बात है, क्या बात है, क्यों क्या क्या बात से नाराज़ हो गए, उसके हाथ जोड़ दें, गुस्सा नहीं आता। आता है अंदर में बहुत गुस्सा, लेकिन हम जानते हैं कि हम इसका कोई बिगाड़ नहीं सकते, और ये हमारा बिगाड़ देगा। जब मौका लगेगा तब देखूंगा, अभी ये चार आदमी हैं, मैं अकेला हूँ। जब हम होंगे चार और ये अकेला होगा तब उसका बदला लेंगे। ऐसा अंदर में जो हम गांठ बांध लेते हैं, इसको हम बैर कहते हैं। तत्काल रिएक्शन ना देकर और अंदर में गांठ बांध लें तो ये बैर है। बाहर से तो ये क्रोध कसाय रूप नहीं दिखता है, लेकिन अंदर में उस असली क्रोध से भी ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि क्रोध तो जो कुछ तत्काल होता है तत्काल रिएक्शन कर देता है। यदि तुमने हमें गाली दी तो हम चांटे ही मार देंगे, हम डंडा नहीं मारेंगे, डंडा हमारे पास है ही नहीं है, हम बंदूक की गोली से तुम्हें मारेंगे नहीं, क्योंकि वो हमारे पास है। तत्काल क्या करें, तत्काल तो केवल हाथ ही है, हाथ में तत्काल रिएक्शन होता है ना, बिना सोचे समझे। लेकिन क्रोध जो बैर बांधता है वो बराबर पूरी तैयारी के साथ आता है, सब हथियार हथियार लैस करके आता है और साथियों को लेके आता है, तो वो हमको ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है क्रोध। और वो अंदर में बहुत काल तक रहता है, क्रोध तो आया झटपट तत्काल रिएक्शन हो गया और 5 मिनट में कहता भाई साहब जरा गलती हो गई माफ़ कर देना, 1 मिनट में ठंडा पड़ जाता है कि नहीं पड़ जाता है। लेकिन बैर वाला तो बरसों तक चलता रहता है, और बैर अंदर में हम धारण करते हैं, कहते हैं ना क्रोध किया जाता है और बैर धारण किया जाता है, पूजन में आता है ना, बैर जो न तहाँ धरे, जहाँ बैर धारण नहीं करे तो बैर धारण किया जाता है और क्रोध किया जाता है। करने में और धारण करने में बहुत फर्क है, कि करना माने जब तत्काल कर दिया जो कुछ करना था, और धारण किया माने अंदर में धारण कर लिया। हम आग को जेब में रखेंगे तो क्या करेगी, सबसे पहले वो हमारी जेब को जलाएगी, फिर हमें जलाएगी, और दूसरे को जला पाए नहीं चाहे ना जला पाए,
ऐसा बैर हम अपने अंदर धारण करते हैं तो सबसे पहले वो हमारा नुकसान करता है, फिर हमें जलाता है और फिर दूसरे को जला पाए न जला पाए, वो तो उसके पुण्य पाप का उदय के अनुसार है ना। यदि उसका पुण्य का उदय बराबर बना रहा और तुम भाग्य से ऐसे हो ही नहीं पाए कभी कि उससे बदला ले लो, तो शायद तुम बदला ले ही नहीं पाओ। लेकिन सारी जिंदगी बदला लेने का भाव अंदर में रखोगे तो जो उससे कर्म बांधोगे उससे कितना दुख तुम उठाओगे, वो कर्म बांधोगे जब बांधोगे। लेकिन ये अंदर में क्रोध बना रहना एक एक कम तकलीफ का काम है, वो स्वयं बहुत तकलीफ का काम है। डॉक्टर लोग कहते हैं कि तुम घंटे घंटे ऐसे ही क्रोध करते रहोगे तो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, माथे की नस फट जाएगी, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। एक क्रोध आप निरंतर नहीं कर सकते हैं, बैर धारण करके किए रह सकते हैं, वो ठंडा काम है ना। ऊपर से ठंडा दिखता है, बाहर से खतरनाक नहीं दिखता है, लेकिन वो योजनाबद्ध विनाश करता है, इसलिए ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि वो कमज़ोर आदमी सोचेगा कि अब मुझे बदला लेना है, अब इसे मैं पीट तो सकता नहीं, सामना तो कर नहीं सकता हूँ, ऐसा करो कि चुपचाप एक चिट्ठी इनकम टैक्स ऑफिसर को डाल दो, वो साला आगे से परेशान करेगा, हैं इसके कारखाने में जाके चुपचाप घूमने जाओ और आग लगा दो, सारा कारखाना जल जाएगा। वो ऐसा तो योजनाबद्ध विकास विनाश करता है, तो वो हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। तो बैर भी क्रोध का ही एक खतरनाक रूप है। हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उनका नाम था आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वो इंटर पास थे, 11वीं 12वीं क्लास पास थे, और बनारस यूनिवर्सिटी में, काशी विश्वविद्यालय में, बनारस यूनिवर्सिटी में वो हिंदी एमए वालों को हिंदी पढ़ाते थे, और उन पर सैकड़ों पीएचडी हो गए। वे पीएचडी नहीं थे, एमए भी नहीं थे, बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने मनोविज्ञान पर कुछ लेख लिखे हैं, तो उन्होंने क्रोध पर भी एक लेख लिखा है, तो उसमें लिखा है कि बैर क्या है, तो क्रोध का आचार या मुरब्बा है। ये आचार और मुरब्बा क्या होता है जानते हो? क्या बात करते हो, जानते हैं, हम तो खाते भी हैं। पूज्य गुरुदेव कभी मुरब्बा नहीं खाते थे। कई दफ़े हम लोगों के मुँह से सुना है, एक दफ़े बचपन में जब वो बनाते हैं ना आचार वगैरह मुरब्बा, तो 6-6 महीने तक सड़ाते हैं उसे, जब सड़ा लो गला के खाओ, उसका नाम वो आचार मुरब्बा है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो उनने कीड़ा देखा उसमें और उन्होंने छोड़ दिया सारी ज़िंदगी। और इसको वो प्रवचनों में हमेशा सुनाते थे क्या, कि जब वो आचार मुरब्बा क्या है, जैसे हम नींबू फ्रेश खाएं, आंवला फ्रेश खाएं, आम फ्रेश खाएं, तो वो नींबू है, आचार है। और जब उसे सड़ा के गला के सैकड़ों कीड़े पड़ जाएं तब खाएं, तो उसे आचार बोलते हैं, मुरब्बा बोलते हैं। तो सड़ा हुआ माल उसका नाम आचार है। सड़ा हुआ क्रोध अंदर में रख लें और फिर वो सड़ता रहे, सड़ा स्नान मारते रहे हमेशा कि मैं बदला नहीं ले पाया, मुझे इसके बदला लेना है, मैं बदला नहीं ले पाया, मीठी मीठी बातें करें और अंदर में ऐसा सोचता रहे, तो जब वो क्रोध सड़ जाता है, गल जाता है, तो उसे आचार या मुरब्बा कहते हैं, वो बैर है। अकेला बैर ही, बैर तो खतरनाक रूप है ही क्रोध का, लेकिन और भी बहुत रूप हैं, ये चिड़चिड़ाहट, झल्लाहट, जानते हैं न, कुछ लोग कमज़ोर होते हैं, खासकर माताएं, बहनें, बहनें, और वो उनकी कोई बात नहीं सुनते हैं, घर वाले बच्चे नहीं सुनते हैं, पति नहीं सुनते हैं, तो झल्लाती रहती हैं, काम करती रहती हैं और कुछ ना कुछ बकती रहती हैं, तो वो भी क्रोध का एक रूप है, हैं समझे ना, कुड़कुड़ाना, कुड़कुड़ाते रहते हैं ना। एक कई रूपों में एक क्रोध प्रकट होता है। जब तक ये अंदर से क्रोध दूर नहीं होगा, जब तक ये बड़बड़ाना बंद नहीं होगा, ये झल्लाना बंद नहीं होगा। एक क्रोध क्या है, जो ताकतवर होता है, शक्तिशाली, उसका क्रोध तो एकदम क्रोध के रूप में प्रकट होता है, तत्काल रिएक्शन देता है,
तुमने कुछ कहा, ये किया, तुमने दो शब्द बोले, हमने कहा चुप रहो, तुम चुप नहीं रहे तो हमने दो चांटा जड़ दें। शक्तिशाली हैं और तुम कुछ नहीं कर सकते हो, और जब कमज़ोर होता है तो उसका क्रोध क्रोध अलगता रहता है, उसे प्रकट होता है, और उसे यदि बदला लेने का तीव्र भाव हो जाए तो फिर मैंने कहा ना इनकम टैक्स ऑफिसर को खिलाफ कर देना, मकान में आग लगा देना, यहाँ ये करना, पीठ पीछे बुराई करना, इस तरह के कैसे उसका हम बिगाड़ कर सकते हैं, इन रास्तों से प्रकट होता है वो क्रोध। कैसे प्रकट हुआ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहते क्रोध अरोचक भाव, आत्मा में जो अरुचि का भाव है वो ही वास्तव में क्रोध है ना। उत्तम क्षमा है तो उत्तम क्षमा में चार प्रकार का क्रोध होता है ना, अनंतानबंदी क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, संजुलन क्रोध, चार प्रकार का क्रोध होता है ना। तो संजुलन क्रोध है वो मुनि धर्म को रोकता है, प्रत्याख्यानावरण क्रोध है वो भी हमें नग्न निगम्बर मुनि नहीं होना है। जो संजुलन क्रोध है वो हमें केवल ज्ञान को रोकता है, पूर्ण वीतरागता को रोकता है, ये हमारे अनुवृत महाव्रतों को रोकता है। अप्रत्याख्यानावरण अनुवृत्तों को रोकता है और अनंतानुबंधी के साथ सम्यक दर्शन को रोकती है, मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी के साथ। तो अनंतानुबंधी माने अनंत अनुबंध, अनंत अनुबंध माने क्या कि देखो कि किसी आज कोई मेरी बुराई करेगा तो मेरे से बुरा नहीं समझना, मैंने जैसे उसको निकाल दिया ना तुम भी समझ लो, तुमने गड़बड़ कही तो तुम्हें भी निकाल दूंगा। तो ये हमने उसको मल्टीप्लाई किया ना, माने जो हमने एक के प्रति किया उसका अर्थ है वैसी परिणति जो दूसरा करेगा उसके प्रति हम ऐसा ही करेंगे। तो दूसरा माने एक दो नहीं, जो भी करेगा, जो ऐसा करेगा मैं उसको स्मारक में नहीं रहने दूंगा, ऐसा बोलता है अनंतानबंदी का क्रोधी है। तेरा है स्मारक, कल तू कल कहेगा कि मैं उसे भरत क्षेत्र में नहीं रहने दूंगा, छह खंड में मेरा राज है, आज तू समझता कि स्मारक में मेरा राज है तो स्मारक में नहीं रहने दूंगा, कल कहता है कि छह खंड में नहीं रहने दूंगा, और कल तेरा बस चले तो कैसे दुनिया में नहीं रहने दूंगा, तो कहाँ भेजेगा, मोक्ष में भेजेगा। माने अनंत एक से नहीं, अनंत से वो उस टाइप का अनुबंध करता है, वो उसकी अनंत अनुबंधी कहता है, मल्टीप्लाई करता है। इसे सहज भाव से अपने भगवान आत्मा की अरुचि वास्तव में अनंत अनुबंधी क्रोध है। जब कोई किसी पर गुस्सा होता है और वो उसे क्षमा नहीं करता है तो क्या होता है, आप समझते हो, वो उससे बोलता नहीं, वो उससे बात नहीं करता है, वो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, यही होता है ना। एक बच्चे से उसका पिता नाराज हो गया, क्यों, किसी ने कहा कि ये जुआ खेलता है, ये करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, और उसके पिता को बहुत भड़का दिया तो वो एकदम गुस्सा हो गया। वो घर पे आया तो कहा निकल जा मेरे घर से, और उसे घर से निकाल दिया, कहा मेरे को कभी से शक्ल नहीं दिखाना, और अखबार में निकाल दिया इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, इसे कोई कर्जा देगा तो मैं उसे देने का जिम्मेवार नहीं, क्योंकि उस पर अनंत गुस्सा आ रहा था, अनंत क्रोध आए तो क्या कर सकता है, वो हिंदुस्तान में से तो निकाल नहीं सकता था, अपने घर से ही निकाल सकता था, तो निकाल दिया। अभी देखना कि वो निकाल दिया, अभी इतने से काम नहीं चलता है, फिर उसके बारे में बात नहीं, पत्नी उससे कहती है कि वो तुम बच्चा का जरा कहीं क्या पता खाया होगा कि नहीं खाया होगा, उसकी बात मत कर, वो उसके बारे में पत्नी की बात भी नहीं सुनना चाहता। उसका दोस्त आया, उस दोस्त ने कहा कि चाचा जी मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ भाओ बोलो बोलो, क्या है, तुम बहुत दिन से आए ही नहीं, आजकल आते ही नहीं हो, क्या बात है, क्योंकि वो दोस्त नहीं था घर में तो वो आता नहीं था, क्या बात है, आओ आओ, रमेश की अम्मा चाय बनाना, थोड़ा नाश्ता लाओ, सुरेश आया है, उसे प्रेम से बुलाते हैं, चाय पानी बुलाते हैं, सब व्यवस्था करते हैं। फिर वो कहता है कि चाचा जी मैं आपसे ये कहने आया हूँ
कि जो आपका लड़का रमेश है उसने जो आप समझते हो वैसी गलती, उसकी बात मत करना, और जो बोलना है बोल, और तुझे क्या चाहिए वो बोल, उस नालायक की बात मत करना, उसकी बात नहीं सुनना चाहता। फिर वो थोड़ी देर बाद फिर कहता है, कहता जी मेरी एक मिनट तो सुन लो, एक मिनट तो सुन। कह दिया कि नहीं सुनना, नहीं सुनना, नहीं मानेगा तू, निकल जा, और उसे धक्का मार के निकाल देता है। वो पत्नी नाश्ता लेके आती है, चाय लेके आती है, कहाँ गया, कि साले को मैंने निकाल दिया। क्यों? क्योंकि वो रमेश की बात करता। देखो वो किसी की बात करे तो नहीं सुनना, वो जिसकी जिस पर गुस्सा है उसकी नहीं सुनना, कोई उसकी बात करे तो उसके नहीं सुन। यहाँ यहाँ होता है हमारा कि हमने तुम्हें निकाल दिया, नाराज़ हो गए, फिर कोई आगे सिफारिश करता है कभी ऐसा नहीं है, अरे वो गलती अब नहीं करेगा, ऐसा नहीं करे। देखो उसकी बात मत करना, और कुछ बोलना हो तो बोलो, हम उसके बारे में नहीं सुनना चाहता। तो जिन लोगों को आत्मा से इतनी अरुचि है कि वे आत्मा के बारे की तरफ देखना पसंद नहीं करते हैं, आत्मा की बात सुनना पसंद नहीं करते हैं, जो आत्मा की बात करे उसे सुनना पसंद नहीं करते हैं, यदि जो नहीं माने तो उसे निकाल देना चाहते हैं, हमारा क्या बैर विरोध है इन आत्मा की अरुचि वालों से? वे हमारे काय के शत्रु बन गए हैं। हम यही तो है कि हम आत्मा की बात करते हैं, क्या आत्मा फात्मा लगा रखा है, ऐसे बोलता है जैसे सीधी जिन्ना की बहन आ गई हो, है ना, वो फातिमा, फातिमा जिन्ना थी, नाम सुना, जो जिन्ना था ना पाकिस्तान का गांधी हेड, समझ गए ना, तो उसकी बहन का नाम था फातिमा, और उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था, और वो बहन ही उसकी सारी संभाल करती थी, और वो बहुत अपने साथ उसे प्रेम से रखता था, इसलिए सारी दुनिया जानती थी कि जिन्ना और फातिमा जिन्ना, जिन्ना तो उसे बाप गोत्र होता ना, ऐसा गोत्र था, तो ऐसे बोलता है, आत्मा फातिमा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मेरे अंदर अपन को जब भी गुस्सा आता है तो अपन इस तरह बोलते हैं ना, उल्टा जलमल मत लाओ, हैं भगवान की पूजा करना है, जलमल भर लिया क्या? नहीं, उसे होश नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा उल्टा बोलने की जो आदत है, तो इस तरह से ये बोलता है अत्यंत अरुचिपूर्वक। ये अरुचि की द्योतक है, और अरुचि का नाम वास्तव में क्रोध है, अनंतानुबंधी क्रोध है। तो जिन्हें आत्मा से अरुचि है, इस जीव ने दूसरों को तो कई बार माफ़ किया, इतना से इतना नाराज हो जाए, फिर आखिर में हाथ पैर जोड़ ले, पैर पढ़ ले, कुछ कर ले, भविष्य में मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, तो माफ़ करते भी देखे जाते हैं ना लोगों को। दूसरों को तो अनंत बार माफ़ मांगा, माफ़ किया, और दूसरों से कई बार माफ़ी भी मांगी, लेकिन इसने अपने आत्मा को आज तक माफ़ नहीं किया। कि कैसे जाना कि तुमने माफ़ नहीं किया? कि जब जो हम जिसको क्रोधित होते हैं, वो हम जिसे माफ़ नहीं करते हैं, उससे बात नहीं करते हैं, उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं। भवना जय की बात सुनी है ना, भवना जय माने हनुमान जी के पिताजी, समझे ना, जब वे जवान थे, शादी वादी नहीं हुई थी, एक लड़की को देखकर मोहित हो गए, ऐसे मोहित हो गए कि बेहोश हो गए, बेहोश पड़े थे, लोग उन्हें दौड़ के लाए, उनके पिताजी को बुला के लाए, है ना, पिताजी को बुला के लाए, तो पिताजी आए, उन्होंने कहा बेटा क्या है क्या है, कि अंजना अंजना अंजना, क्या बात करता है अंजना अंजना, चल खाना वाना खा के फिर बात बात करेंगे, नहीं नहीं पहले अंजना फिर खाना, क्यों? आज कोई लड़का ऐसा करे तो उसके बाप कैसा व्यवहार करेंगे सोचो आप, नो चाह धापड़ मारूंगा क्या, अंजना अंजना लगा रखा है ना। लेकिन वो बहुत सज्जन थे, उनने समझाया कि कोई बात नहीं है, अंजना से शादी करना है तो कर लेना, अपन बहुत बड़े राजा हैं, तू बहुत होशियार लड़का है और वो साधारण राजा हैं, और वो अपन प्रस्ताव भेजेंगे तो एक मिनट में हाँ हो जाएगी, चिंता क्यों करता है,
कि नहीं पहले शादी, पहले शादी। आखिर क्या हुआ, हो गई सगाई, हो गई बात पक्की, हो गई। अब तो समय शादी में समय तो लगेगा, लेकिन भाई साहब को चैन नहीं पड़ी। तो अंजना से मिलने गए, सात महल का मंजिल का महल था, तो पीछे से चढ़ चढ़ा के रस्सा डाल करके ऊपर के खंड में पहुँचे जहाँ अंजना थी। अंजना बैठी बैठी अपनी सखियों से बात कर रही थी, सखियाँ मजाक उड़ा रही थी, तुझे ऐसा ही मजनू पसंद आया जो तेरे पर बेहोश हो गया देख करके? अरे उससे तो फलां राजा का लड़का अच्छा था, फलां राजा का अच्छा लड़का था, ऐसे उससे मजाक कर रही थी। अब बेचारी वो क्या कहती, चुप बैठी थी नीचे गर्दन करके, ये सुन रहा था कि वो निंदा कर रही हैं इसकी और लोगों की प्रशंसा कर रही हैं, और ये चुपचाप सुन रही थी। गुस्सा आया, इसे जवाब देना चाहिए कि नहीं सबसे बढ़िया वो ही है। क्या ये जवाब नहीं दे रही है, मेरी निंदा सुन रही है, अब मैं इससे शादी नहीं करूँ। एक मिनट में बेहोश हो गया था, शादी करूँगा, एक मिनट में कहता अब मैं नहीं करूँगा, क्या क्या हालत है देखो। फिर सोचता है इससे मैं शादी नहीं करूँगा तो ये तो उन राजाओं राजकुमारों से शादी कर लेगी, मौज उड़ाएगी और मैं रह जाऊँगा, शादी कर लूँगा और शादी करके छोड़ दूँगा। क्योंकि लड़कियाँ शादी करने के बाद दोबारा नहीं करती थी ना, अब तो धीरे धीरे करने लग गई हैं, क्यों तो इसलिए इसे मैं इतनी तकलीफ दूंगा। और वो उससे शादी कर लेता है और उसे छोड़ देता है, और वो 22 बरस तक उससे नहीं बोलता है। ये सारी कहानी तुमने सुनी होगी, और ये हनुमान जी जो मोक्षगामी है ना, उनके माँ की बात है। तो इतना क्रोध, समझ गए ना, कि उससे बात नहीं करना, उसकी शकल नहीं देखना 22 बरस तक। और जब वो क्रोध थोड़ा डाउन हुआ तो वो जंगल में से कहीं युद्ध में गया हुआ था, वहाँ से आया और रात में उसको मिलकर आ गया। क्या है ये हालत, क्या है समझ लो आप। तो अनंत क्रोध का मतलब क्या है, ये भगवान आत्मा के प्रति ऐसा जो क्रोध होना, उसका नाम अनंत क्रोध है। जब वो जाता है तो उत्तम क्षमा प्रकट होती है। वो किसके, अपने आत्मा के प्रति, दूसरों को माफ़ करने से नहीं। पूज गुरुदेव श्री फरमाते थे कि इस आत्मा ने दूसरों को तो कई बार बाद माफ़ किया, लेकिन अपने आत्मा को माफ़ नहीं किया। कि अपने आत्मा को माफ़ कैसे किया जाता है, कि उसकी सुध लेना, उसे देखना, उसे जानना, उसके बारे में समझना, उसके बारे में चर्चा करना, बात करना, यही उसे माफ़ करना है। उसे और कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे हाथ हाथ नहीं जुड़वाना है कि तुम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगो। तो जब तक हम आत्मा दूसरों को माफ़ करेंगे और अपने आत्मा को नहीं माफ़ करेंगे, तो उत्तम क्षमा धर्म प्रकट नहीं होगा। ये क्षमा शब्द के साथ जो उत्तम शब्द लगा हुआ है ना, ये सम्यक दर्शन की सत्ता का सूतक है। कि सम्यक दर्शन के साथ जो क्षमा होती है वो उत्तम क्षमा है। सम्यक दर्शन के बिना 10 धर्मों में से कोई धर्म नहीं होता। इसलिए हर एक धर्म के साथ उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, ये पद शब्द लगे हुए हैं ना, ये शब्द लगे हुए हैं। तो उत्तम माने सम्यक दर्शन सहित। जो कहते सम्यक दर्शन की क्या ज़रूरत है, बस क्रोध नहीं करो, उत्तम क्षमा हो गई। कि भाई साहब क्रोध नहीं करो, सम्यक दर्शन के बिना क्रोध नहीं करो, ये बनता ही नहीं है। क्योंकि क्रोध उत्पन्न कैसे होता है, कि जब पर पदार्थ हमें सुखी दुखी करते हैं, हमारा भला बुरा करते हैं, हमें मारते जलाते हैं, हम ऐसा मानते हैं तो क्रोध उत्पन्न होता है। जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से हम ये समझेंगे कि एक देव दूसरे देव का करता नहीं है, कोई किसी का भला बुरा नहीं कर सकता है, कोई किसी को मार दिला नहीं सकता है, तब वास्तव में वो उत्तम क्षमा प्रकट होती है। लोग ये समझते ही नहीं, मैं क्रोध क्रोध नहीं कर रहा, वो बहुत शांत स्वभाव का है, बहुत शांत स्वभाव का है। नहीं शांत स्वभाव का है कि बहुत है, हाँ तो अभी तो मोक्ष क्यों नहीं गया। ये सम्यक दर्शन तो है, क्या क्या सम्यक दर्शन क्या होता है, सम्यक दर्शन का नाम नहीं सुना और बहुत शांत है, उसके बिना शांति होती ही नहीं।
तो उत्तम क्षमा का वास्तविक स्वरूप क्या है कि अपने आत्मा का स्वरूप जानकर उसके प्रति रुचि करना, उसमें अपनापन करना, तो उससे मिथ्यात्व का भी अभाव होता है और अनंतानबंदी क्रोध मान माया लोभ का भी अभाव होता है। तो जो क्रोध का अभाव हुआ उसका नाम उत्तम क्षमा है। इसलिए 10 धर्मों के साथ में उत्तम शब्द लगा है, क्षमा नहीं। क्षमा तो कई बार धारण की, लेकिन उत्तम क्षमा, सम्यक दर्शन सहित क्षमा को उत्तम क्षमा बोलते हैं। इस क्षमा का हम वास्तविक सच्चा स्वरूप समझें, गहराई में जाएं और मिथ्यात्व का अभाव करके, अनंतानबंदी क्रोध का अभाव करके अंदर में जो क्षमा भाव प्रकट करें उसका नाम उत्तम क्षमा है। ऐसी उत्तम क्षमा प्रत्येक आत्मा अपने अंदर में प्रकट करके अनंत सुखी हो, इस मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूँ।